तो यार करते हो फर्स्ट ट्रिक की बात जो कि बहुत खतरनाक है। इसके लिए आपको आ जाना किसी भी क्रिमजन कैसल के पास एंड यहाँ पे आने के बाद जो फ्रंट वाली जगह है जहाँ पे मैं आपको एक बार मैप के अंदर और दिखा देता हूँ इसी वाली जगह पे एक जेट बस आपके पास होना चाहिए ब्लैक सिम्बियट आर्म एंड इसका यूज कैसे करना है देखो ध्यान से देखो जहाँ पे मैं हूँ वहीं पे आ जाना है। देन आपको करना है ये वाला बटन यूज करना है ग्रेब वाला जो कि ग्रेब करता है एंड यहाँ पे जंप करता है। जैसे हवा में आओ आपको वापस यहाँ पे देखो एक बार शूट करना है एंड इस वाली जगह पे आ जाओगे इजी पीजी भाई साहब। ये वाली लोकेशन आप देख सकते हो क्या खतरनाक है। जितने भी एनिमी सरप्राइज अटैक देने के लिए उनको भाई उनको पता भी नहीं चलेगा कि आप कौन सी लोकेशन से मार रहे हो और भाई कितना आसान है। ये देखो कितनी सीक्रेट लोकेशन है जो कि यहीं पे आ सकते हो क्योंकि पूरे क्रिमजन कैसल के आसपास यहाँ पे देखो पूरी पूरी एक इनविजिबल वॉल रहती है लेकिन इस वाली जगह पे नहीं है। आप यहाँ से फायर एंड शूट कर सकते हो अगर आपको क्राउच करना है प्रोन करना है अनक्राउच करना है। और बात उन सबको दिल से शुक्रिया जिन्होंने इस वीडियो को टच करते लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया थैंक यू सो मच। अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप गन से कैसे इमोट वाला यहाँ पे फनी ग्लिच कर सकते हो। अब आपके पास कुछ भी हो बैग में उसको ड्रॉप करो एंड इमोट और उस वाली चीज को क्लिक कर दो एक ही साथ एंड यहाँ पे देखो बिना गन भी आप ये इमोट कर सकते हो कार में भी। अब देखो ये व्हीकल है इसके अंदर मैं क्यूबा आरबीएस ऐसे तो इसके अंदर भी यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ भाई कितना इजी पीजी है। देखो यही नहीं अगर आपके पास कोई भी बग्गी आसपास तो आप इसका भी यूज करो। देखो मैंने एप्पल पे का एप्पल पे क्लिक एंड इमोट पे एक साथ क्लिक करो एंड ये देखो भाई आप बग्गी के अंदर भी ये इमोट कर सकते हो चलते चलते और क्या ही खतरनाक लग रहा है भाई। एनिमीज के साथ साथ आपकी स्कोर भी पूछेगी कि आखिर किया तो किया कैसे आपने। और हाँ व्हीकल के साथ साथ आप जितने भी हॉर्स रहते हैं ना इन्फेक्टेड एंड नॉर्मल इनके साथ भी कर सकते हो। देखो इन पे भी चलते चलते इमोट कर सकते हो क्या ही फनी लग रहा है भाई कैरेक्टर क्या ही जबरदस्त कूल तरीके से आप इस तरीके से घूम सकते हो इधर उधर। इवन दो हमारा प्यारा यहाँ पे ब्लैक सिम्बियट वॉर हॉर्स मतलब वेनम वाला हॉर्स इस पे भी कर सकते हो। अब देखो भाई क्या ही लग रहा है इसके ऊपर आप इमोट करोगे ना तो एनिमीज आपको एक बार तो पूछेंगे कि भाई कैसे किया सॉरी टीममेट पूछेंगे एनिमीज तो आपको मार भी देंगे तो कर सकते हो। फनली यार कमेंट करके बताओ आपको ये वाली ट्रिक कैसी लगी। लिटरली यार आज तक मैंने जितनी भी ट्रिक बताई है इतनी ईजी है करना बस आपको देखो एग्जिट इस वाली लोकेशन पे आना देखो स्कूल और शेल्टर के जस्ट इस वाली जगह पे एंड यहाँ पे एक स्टोन दिखेगा मैजिकल स्टोन आपको जस्ट क्या करना इस पे जाके आपको जंप कर देना एंड जंप करोगे ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाओगे भाई कितना ईजी मतलब यार आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी बस आप इसके पास आके जंप करोगे तो भाई इसके अंदर आ जाओगे। अब देखो ये ग्लिच फिक्स हो जाएगा उससे पहले आप एक दो बार यूज कर सकते हो फॉर फन पर वर्ड। हाँ आप थ्रोबल आइटम फेंक सकते हो गन फायर कर सकते हो बाहर के साइड देखो गन फायर भी मेरा जा रहा है और अपने टीममेट को बुलाना चाहता तो वो भी अंदर के साइड आ सकता है। मतलब यार इसके अंदर आना बहुत इजी है कुल मिला के। और तो आप यहाँ पे थ्रोबल आइटम गन फायर कर सकते हो आपको जैसे करना है प्रोन क्राउच और अनक्राउच भी कर सकते हो। यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक जंप वाले बटन को क्लिक कर दो निकल जाओगे इजी पीजी। तो इस वाले ट्रिक के लिए लाइक तो बनता है तो प्लीज तो क्या आप भी टीडीएम खेल रहे हो तो टीडीएम में ये वाली ट्रिक अगर करोगे ना तो आपके टीममेट एक तो एक बार पूछेंगे कि भाई ये कैसे किया और एनिमी शौक होंगे वो अलग देख सके आप देख सकते हो लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ एनिमीज को मैं कैसे डांस करते करते मार रहा हूँ बहुत आसान है करना टीडीएम में। यहाँ पे देखो आपका जैसे यहाँ पे टाइमर खत्म हो आपको जस्ट यहाँ पे बैग ओपन करना है बैग ओपन करके गन को ड्रॉप कर देना है और यहाँ पे ड्रॉप करके गन और यहाँ पे इमोट वाले बटन को एक साथ क्लिक करना है। अब जैसे करोगे ये देखो अब यहाँ पे ये चीज तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया लेकिन आप फायर भी कर सकते हो फायर एंड शूट भी कर सकते हो बहुत आसानी से। लाइव प्रूफ दिखाओ तो ये देखो एनिमीज को कितना आसानी से मैं मार रहा हूँ इसको पता भी नहीं चला कि भाई ये कैसे कर रहा है और क्या ही कूल ट्रिक है यार अगर आपको करना है तो कर सकते हो। कमेंट करके ये ट्रिक बताओ कैसे लगी आपको। ओ भाई साहब ये वाली ट्रिक सबसे खतरनाक है मिल्टा बावर में अगर आपको बता तो ये वाली चिमनी पे आसानी से आप नहीं चढ़ पाओगे आपको टॉप पे बताऊं कितना आसानी से आप चढ़ पाओगे बस आपको पास होना चाहिए ब्लैक सिम्बियट। इसको लेके आपको जो बिग वाली यहाँ पे देखो चिमनी है ना इसके साइड में टूटी वाली चिमनी रहती है इसके पास आके आपको ब्लैक सिम्बियट आम यहाँ पे यूज करना है। अब जैसे यूज करोगे देखो इसके ऊपर आ जाओगे अब थोड़ा सा ऊपर जाओगे देखो इस तरीके से तो आपको कहना है यहाँ पे पैराशूट वाले बटन को एक बार यूज करना है एंड यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करके इसके ऊपर आ जाना है फिर वापस से यही चीज करनी है थोड़ा सा इधर आना है एंड यहाँ पे करो एंड यहाँ से थोड़ा इधर उधर उड़ो तो यहाँ पे देखो यूज कर लेना और थोड़ा सा एडजस्ट करके यही चीज आपको बार बार रिपीट करनी है यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मतलब आपको टॉप पे आ जाना है। अब देखो मैं उड़ गया ना तो यहाँ पे पैराशूट ओपन कर लेना और यहाँ पे आ जाना जहाँ पे मैं हूँ बस इस जगह पे आके आपको ग्रे वाले बटन को एक बार क्लिक करना ब्लैक सिम्बियट आर्म तो यहाँ पे यूज करके आपको बस एम करके ऊपर और यहाँ पे यूज कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे करोगे तो ऊपर की साइड जाते टाइम आपको क्या करना है यहाँ पे वापस से शूट कर देना है। अब जैसे शूट करोगे यहाँ पे एक ग्लिच होगा एंड आप पूरा का पूरा टॉप पे एंड हाँ यार इधर उधर जाने का आपको डर है तो पैराशूट ओपन करके यहाँ पे देखो एडजस्ट करके थोड़ा सा इधर उधर आ जाना तो इसके ऊपर आ जाओगे एंड भाई इजी पीजी कितना आसानी से आप इसके ऊपर हो फायर एंड शूट कर सकते हो। अगर एंड वाला सर्कल बन गया ना तो भाई एनिमीज को आप पूरी की पूरी स्क्वाड को अकेले वाइप आउट कर सकते हो। आप अपनी स्क्वाड को पूरी स्क्वाड को ये ट्रिक बता के ऊपर की साइड लेके आ सकते हो जैसा कि आप देखो भाई कितना ऊपर आ चुका हूँ मैं अभी। यार इस वाले ट्रिक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है तो प्लीज यार कर लो अभी नहीं किया। ओके तो ये था वीडियो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और आपको नेक्स्ट वाला वीडियो क्या चाहिए प्लीज कमेंट
कमेंट करके जरूर से बताना। मेरे इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा टेक केयर, बाय बाय।